मैं अभी रिसेंटली हैदराबाद आया हूँ और यहाँ पे आते ही मैंने एक अलग चीज नोटिस की और वो थे यहाँ के बिलबोर्ड्स। यहाँ पे जो भाषा लिखी गई थी उसके लेटर्स कर्व्ड थे, लेकिन क्यों? इसके पीछे डेमोग्राफिक्स का हाथ है। जब लिखना फिक्सित हो रहा था तो लिखने के लिए एक वस्तु से दूसरी फ्लैट वस्तु पर मार्क्स बनाए जाते थे और उन मार्क्स को फिर प्रिजर्व किया जाता था। नॉर्थ इंडिया वाले रीजन में लोगों ने पेड़ की छाल का इस्तेमाल किया क्योंकि वहां पे वह इजिली अवेलेबल थी। वहीं साउथ इंडियन वाले रीजन में लोगों ने पत्तों का, क्यों? क्योंकि यहां के पत्ते बड़े थे और इजिली अवेलेबल थे, लेकिन पत्तों पे सीधी लकीर मारने से वह फट जाते थे, तो उन्होंने अक्षरों को कर्व करना शुरू कर दिया। इसीलिए जो हमें नॉर्दर्न रीजन में भाषाएं दिखती हैं वह लाइनों के फॉर्म होती हैं और जो सदर्न रीजन में भाषाएं दिखती हैं वह कर्व्स में। और डेमोग्राफिक्स का ही कारण है कि कुछ भाषाएं जैसे कि अरबिक राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती हैं, क्योंकि ये अरब कंट्रीज में डेवलप हुई जहां पे गर्मी होने के कारण पेड़ पौधे कम होते थे, तो वह पत्थरों पे कार्विंग्स करते थे जिसमें वह लेफ्ट हैंड में छेनी पकड़ते थे और राइट हैंड में हथौड़ा, तो राइट से लेफ्ट जाना ज्यादा आसान होता था।